सीएम धामी के पिथौरागढ़ दौरे का आखिरी दिन आज, जौल जीबी मेले में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री, विकास प्रदर्शनी का भी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड के दौरे पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी आज अपने पैतृक गांव नकोट में मनाएंगे इगास पर्व। इगास पर्व मनाने के बाद देहरादून लौटकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। भाजपा ने कांग्रेस के खिले को भेदने के लिए बनाई नई रणनीति, अब हरीश रावत को सीधे टारगेट कर रहे हैं भाजपा नेता, प्लानिंग के तहत किया जा रहा हरदा पर प्रहार। 2022 के बाद किसान आंदोलन को नई धार देंगे राकेश टिकैत, एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम पदयात्रा में बोले, लखनऊ में 22 नवंबर को होगी किसान महापंचायत। एबीपी गंगा के खास शो तरकश में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का गठबंधन पर बड़ा बयान, कहा सीट के बंटवारे पर बात फाइनल होते ही होगा सपा से गठबंधन का ऐलान। कासगंज में हिरासत में हुई मौत के मामले में अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हुआ हत्या का केस, परिजनों की तहरीर पर दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस हिरासत में हुई थी अल्ताफ की संदिग्ध मौत। आजमगढ़ जिले का नाम बदलकर हो सकता है आर्यमगढ़, जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए संकेत, बोले यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा। मथुरा में जैनम बस में अचानक आग लगने से हड़कंप, हादसे के बाद सभी सवारियां सुरक्षित, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ताजमहल में पर्यटक ने किया हंगामा, बिना टिकट ताजमहल में प्रवेश करने पर की सुरक्षा कर्मियों के साथ बदतमीजी, एसआई ऑफिस का कांच भी तोड़ा। उत्तराखंड में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है इगास पर्व, आज घरों में बनेंगे मीठे पकवान, शाम होते ही देवी देवताओं की पूजा होगी।